Hello dear students, welcome to my channel. I am Sonil Chaudhary. Today we are going to start new chapter, and this is fourth chapter of accountancy. Chapter name reconstruction of partnership. नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि reconstruction it means फिर से उसको construct करना, okay, कुछ नया करना. Suppose आपका house है, आप उसमें भी क्या करते हो, reconstruct करवाते रहते हो ना. अब वो ट्रेंड के अकॉर्डिंग हो, ओके, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो, या फिर और रीजन हो. तो जैसे हम हाउस में, अपने बंगलोज में, फ्लैट में रिकंस्ट्रक्ट उसे चेंजेस करवाते रहते हैं, वैसे ही पार्टनरशिप फर्म में भी कुछ रीजंस हैं जिसके कारण हमें क्या करना रहता है, रिकंस्ट्रक्ट करना रहता है. ठीक है, हियर मीनिंग ऑफ रिकंस्ट्रक्शन. रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स चेंजेस made in partnership due to several reason. Okay, partnership firm का reconstruction हम करते हैं due to reason. कुछ ऐसे reasons है जिसके कारण हमें उसे reconstruct करना पड़ता है. अब यहाँ पे हमें reasons दिए हैं, जो reasons main three reasons है. First, change in ratio of profit loss sharing. पार्टनर्स है, सपोज थ्री पार्टनर्स है, अब उनका रेशियो इक्वली है. इक्वली इट मींस 1:1:1, ओके. बट अब क्या हुआ, कोई रीजन है. सपोज जो थर्ड पार्टनर है वो कहीं जॉब कर रहा है, ओके, वो उसका सफिशियंट, या फिर जो दो पार्टनर्स जो टाइम दे रहे उतना वो टाइम प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, उतना टाइम वो वहाँ स्पेंड नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण क्या होगा, इक्वली प्रॉफिट वो नहीं ले सकते. तो फिर उन्होंने नया रेशियो क्या किया, चेंज उजेंड करना है, नया रेशियो करना है. तो अब वो क्या करेंगे, 2:2:1, इट मींस 1 किसे देंगे, जो अपना सफिशियंट, या फिर जो दो पार्टनर्स जो टाइम अपना स्पेंड कर रहे हैं, जितना टाइम दे रहे उतना वो नहीं दे रहा है, इसलिए उसको प्रॉफिट भी कम मिलेगा. तो ये रीजन हो सकता है, और भी रीजन हो सकते हैं, लाइक पार्टनर बीमार रहता है फिर वो टाइम नहीं दे रहा है, या एनी रीजन, पर्सनल रीजन भी हो सकते हैं, ओके. तो मेन थिंग इज दैट के चेंज रेशियो ऑफ प्रॉफिट लॉस शेयरिंग, अगर हमें जो रेशियो है उसमें चेंज करना है. फर्स्ट रीजन व्हाट, के रेशियो हमें चेंज करना है. देन सेकंड वन, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर्स. सपोज पार्टनरशिप फॉर्म में थ्री पार्टनर्स हैं और एक नया पार्टनर और इंट्रोड्यूस करना है, इट मीन्स अब कितने पार्टनर्स हुए, 4. तो जो उनका पहले इक्वली रेशियो था, या फिर जो भी उनका रेशियो था, लाइक 3:2:1, तो अब क्या होगा, एक पार्टनर और इंक्लूड हुआ, तो अब उन्हें 4 पार्ट में डिवाइड करके फिर उनका रेशियो अब चेंज हो जाएगा. देन थर्ड वन इज रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर्स. सपोज अगेन थ्री पार्टनर्स हैं, उसमें से एक पार्टनर की डेथ हो गई, ओके, या फिर वो रिटायर हो गया, वो अब उसकी एज इतनी हो गई कि वो अब वर्क नहीं कर पा रहा है, बाकी दो पार्टनर्स के जितना वो अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहा है, ओके, वर्क के अकॉर्डिंग, तो फिर अब क्या होगा, वो रिटायर हो जाएगा. तो बाकी जो दो पार्टनर्स हैं वो या तो इक्वली या उनके कैपिटल के अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, उनका प्रॉफिट रेशियो चेंज कर लेंगे. तो ये जो मेन थ्री रीजंस हैं कि चेंज इन रेशियो, ओके, देन एडमिशन न्यू पार्टनर्स एंड रिटायरमेंट और डेथ, ये तीन रीजंस के कारण क्या होता है, पार्टनरशिप का रिकंस्ट्रक्शन होता है. बट अभी हमें सिर्फ फर्स्ट रीजन को फॉलो करना है, फर्स्ट रीजन को स्टडी करना है इन दिस चैप्टर. फर्स्ट वन इज चेंज इन रेशियो ऑफ प्रॉफिट लॉस शेयरिंग, ओके, जो रेशियो है वो चेंज करना है, उसके साथ हम अब इसके आगे देखेंगे. नाउ हियर वन एग्जांपल अबाउट फर्स्ट रीजन. व्हाट वाज फर्स्ट रीजन, चेंज इन रेशियो ऑफ प्रॉफिट लॉस रेशियो. उनके जो प्रॉफिट लॉस रेशियो में जो चेंजेस लाना है उसके अकॉर्डिंग ये सम है. हियर सम, राम श्याम एंड भावेश आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन इक्वल प्रपोर्शन, ओके, इनका रेशियो क्या है, इक्वल, इट मींस 1:1:1, 1, 1 एंड 1, ओके. दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट लॉस रेशियो प्रपोर्शन टू 3:2:1 फ्रॉम द गिवन डेटा, फाइंड सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ पार्टनर्स. ठीक है, जैसे फर्स्ट रीजन की हमने बात की, फर्स्ट ऑफ
इक्वली प्रोपोर्शन उनका था, बट अब उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हमें अपना प्रोपोर्शन चेंज करना है, रेशियो चेंज करना है। वो रेशियो क्या होगा, 3:2:1। ओके, तो अब ये जब हम चेंज करेंगे तो पहले था 1:1:1, अब उसको चेंज करेंगे तो या तो किसी को लॉस होगा या तो किसी को प्रॉफिट, इट मींस कोई सेक्रीफाइस करेगा और किसी को गेन होगा। नाउ सी हियर फॉर्मेट फॉर फाइंडिंग द रेशियो, दिस इज पार्टनर्स राम श्याम एंड भावेश। ओल्ड रेशियो कितना था, इक्वली इट मींस 1:1:1। देन ओल्ड रेशियो, सॉरी ओल्ड शेयर, तो उनका शेयर कितना हुआ टोटल 1:1:1, इट मींस 3, तो 1/3, देन अगेन 1/3, देन 1/3, इट मींस 1 part, 1 part एंड 1/3। नाउ न्यू रेशियो 3:2:1, टोटल 6, सो न्यू शेयर इज 3 / 6, 2/6 एंड 1/6। देखो यहाँ चेंज हो गया, पहले था 1/3, 1/3 एंड 1/3, अब 3/6, 2/6 एंड 1/6। ओके, नाउ सेक्रीफाइस बाय पार्टनर्स, ये इसका फॉर्मूला है। सेक्रीफाइस बाय पार्टनर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओके, आपको ओल्ड शेयर ये दिया हुआ है, दिस इज ओल्ड शेयर एंड दिस इज न्यू शेयर, देन ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। फर्स्ट राम्स सेक्रीफाइस, राम का फर्स्ट ऑफ फाइंड करना है, राम का ओल्ड शेयर कितना था 1/3 माइनस 3/6। अब देखो यहाँ पे इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, देन क्या हो जाएगा, ये 2/6 माइनस 3/6। ओके, तो माइनस करेंगे 2 - 3, इट मींस -1/6। अब इसमें इस चैप्टर में पार्टनरशिप में जब सेक्रीफाइस फाइंड आउट करते हैं तो माइनस इट मींस आपका गेन हुआ। ओके, गेन इट मींस माइनस, इट मींस आपका 1 था वो कम था, अब आपको और मिलेगा, इट मींस आपका गेन हुआ। जहां भी माइनस में अगर आपने फाइंड आउट किया है सेक्रीफाइस, इट मींस गेन, और अगर प्लस में फाइंड आउट किया है इट मींस सेक्रीफाइस, इट मींस आपको इतना दूसरे पार्टनर्स को अपना शेयर ट्रांसफर करना है, और यहाँ पे आपको क्या होगा, दूसरे पार्टनर आपको ट्रांसफर करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट श्याम सेक्रीफाइस, सेम 1/3 - 2/6। ओके, क्या है उसका, न्यू 2/6, देन अगेन इसको इक्वली करने के लिए डिवाइडेड बाय 2 और इसको 1, देन 2/3 एंड 2/6 एंड 2/6, तो 0। तो श्याम को क्या होगा, नो सेक्रीफाइस और नो गेन, 0 है, इसलिए उसको माइनस भी नहीं है प्लस भी नहीं है, इट मींस उसे कोई गेन भी नहीं होगा और उसको सेक्रीफाइस भी नहीं करना है। ओके, देन भावेश सेक्रीफाइस, भावेश का सेक्रीफाइस फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ओल्ड शेयर कितना है 1/3 और न्यू कितना है उसका 1/6, तो 1/3 माइनस 1/6, ओके अगेन मल्टीप्लाई बाय 2, देन अगेन 2/6, देयरफॉर 2/6 माइनस 1/6, सो आंसर इज 1/6। देखो ये प्लस में है, ओके, प्लस इट मींस सेक्रीफाइस, यानी 1/6 पार्ट इसको दूसरे पार्टनर को देना है, किसको, जिसका माइनस आया हियर, सो माइनस इट मींस गेन एंड प्लस इट मींस सेक्रीफाइस, सो भावेश का सेक्रीफाइस, राम हैज गिवन 1/6 व्हाइल भावेश हैज सेक्रीफाइस 1/6 ऑफ हिज शेयर। क्लियर, भावेश है वो क्या करेगा, 1/6 शेयर अपना ट्रांसफर करेगा किसको, राम को। क्लियर, देखा फ्रेंड्स कितना इजी है, सिर्फ आपको ये फॉर्मेट के अकॉर्डिंग फॉलो करना है कि जो उसका ओल्ड शेयर है उसमें से माइनस न्यू शेयर, अगर माइनस में आया देन गेन, और अगर प्लस में आया तो सेक्रीफाइस, और अगर जीरो आ रहा है तो नो गेन नो सेक्रीफाइस। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, एकदम इजी चैप्टर है, और इस चैप्टर में से 5 marks के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 mark फॉर MCQ और आंसर इन 1 sentence, देन 2 marks फॉर शॉर्ट क्वेश्चन एंड 3 marks फॉर सम। ओके, समटाइम सम के और में क्या करते हैं, उसकी थियरी भी पूछ लेते हैं, ठीक है, अगर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट मेथड हम नेक्स्ट लेक्चर में
स्टार्ट करेंगे. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू. इफ यू फाउंड इट हेल्पफुल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. बाय एंड हैव अ नाइस डे.